दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रोसैप्स फिटनेस, को स्पॉन्सर्ड बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। स्कूल को घर के बाद ऐसी जगह माना जाता है जहां पर बच्चे अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। स्कूल ही एक ऐसी जगह है जहां से वो अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर स्कूलों में शिक्षक ही ना हो तो बच्चों के भविष्य का निर्माण कैसे होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ पानीपत में और मैं हूं आपके साथ गरिमा तोमर। ऐसा ही कुछ हाल है हरियाणा के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों का, जहां के स्कूलों में महिला शिक्षकों का अभाव है। हरियाणा के करीब 478 स्कूल ऐसे हैं जहां पर महिला शिक्षकों की कमी है। स्कूलों में महिला शिक्षकों के अभाव के कारण लड़कियों को पढ़ने में खासी दिक्कत आ रही है। इसी को देखते हुए हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के चेयरपर्सन ज्योति बैंदा ने इन स्कूलों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते हुए पॉलिसी में बदलाव करने का सुझाव दिया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के 4000 से ज्यादा स्कूलों में महिला शिक्षक नहीं होने पर चिंता जाहिर की। आयोग ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर प्रदेश के 4078 प्राइमरी व अपर प्राइमरी विद्यालयों में महिला टीचर की नियुक्ति नहीं होने की जानकारी देने के साथ ही उनकी नियुक्ति का अनुरोध भी किया। सरकार को लिखे पत्र में आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बैंदा ने सरकार से स्थानांतरण नीति में बदलाव करने की मांग की। इसके साथ ही आयोग ने बीते दिनों शिक्षा निदेशालय से प्रदेश के 14,000 स्कूलों का डाटा लेकर उसका अध्ययन भी किया। आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में ये पाया गया कि 14,000 स्कूलों में से 4078 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी महिला शिक्षक नहीं है। खास बात यह है कि 4078 स्कूलों में से 3872 स्कूल प्राइमरी है। इतना ही नहीं, इनमें से 746 स्कूल मेवात काडर के हैं, जिनमें से 487 स्कूलों में कोई भी महिला शिक्षक नहीं है और स्कूलों में लड़कियों की संख्या भी अच्छी नहीं है। ऐसे में यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। हरियाणा सरकार को स्थानांतरण नीति में बदलाव कर इन स्कूलों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि स्कूलों के एकेडमिक व एनरोलमेंट एंगेजमेंट को प्रभावित होने से रोका जा सके। इसके अलावा स्कूलों में महिला टीचरों के होने से लड़कियों की संख्या भी बढ़ेगी, इसीलिए सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।